Hello students, myself Dr. D. Raj Rao, team chemistry CLC Sikkar. देखिए बच्चों, हम करने जा रहे हैं केम 06 और DTS नंबर 17 है. हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन एंड सॉल्यूशन. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों काफ़ी इजी चैप्टर है, तो आप सभी बच्चों के जो है पेपर अच्छा ही हुआ होगा. एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि आपने अच्छा ही किया होगा. तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विद कास्टिक सोडा द प्रोडक्ट आर PH3 एंड NaH2PO2. दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ. देखिए ये वेल पॉपुलर रिएक्शन है हमारे पास जो है. इसमें बच्चों हमारे पास है फॉस्फोरस P4. फॉस्फोरस जो होता है वो टेट्रा फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट होता है. तो P4 लिया आपने, प्लस कास्टिक सोडा होता है NaOH. ये रिएक्ट करके और हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा है PH3 प्लस NaH2PO2 बना रहा है बच्चों. तो आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो, फॉस्फोरस का जो है एलिमेंटल स्टेट के अंदर ये टेट्रा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है मोलिकुलर फॉर्म में. तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है नेचुरल फॉर्म में जीरो हो गया इसका. और यहाँ बच्चों फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास -3 हो गया, क्योंकि ये हाइड्राइड के फॉर्म में है PH3. ठीक है, तो यहाँ जैसे फॉस्फोरस का आपने एक्स ले लिया, या +3 = 0, तो एक्स इक्वल टू -3. और इधर हमारे पास फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बच्चों +1, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के हो गए 1 के 2, 2 के 4, इधर 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन के 2, सोडियम का 1, तो हमारे पास +1 बच गया. तो यहाँ आप ये देखोगे कि -3 और +1. ठीक है बच्चों, जैसे 0 से -3 जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका बच्चों रिडक्शन. और 0 से +1 जा रहा है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन. राइट, एक ऑक्सीडेशन हो गया और एक रिडक्शन हो गया है. तो आप ये देखोगे कि हमारे पास दोनों प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा बच्चों? थर्ड जाएगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, H2O2 रिड्यूस द K3FeCN6. तो अब देखो ये H2O2 जो होता है ना, हाइड्रोजन परोक्साइड होता है हमारे पास, हाइड्रोजन परोक्साइड जो है ना बच्चों, देखो इसकी रिएक्शन हम ले ली H2O2, ये रिएक्शन करवाई हमने, और हमारे पास है K3FeCN6. ठीक है बच्चों, अब हमने आगे लिया इसका. अब देखो, अब H2O2 जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है. तो हमारे पास हाइड्रोजन परोक्साइड जो है वो ये कह रहा है कि इसको रिड्यूस तो कर रहा है, लेकिन वो कौन से मीडियम में कर रहा है. तो ये बड़ी दो पॉपुलर रिएक्शन है देखो, एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है बेसिक मीडियम. तो बेसिक मीडियम में क्या करता है, रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके ये ऑक्सीजन रिलीज करता है. देखिए अभी K3FeCN6 है, तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लीजिए, ये हो गया +3. इसका मतलब +2 में जाएगा, रिड्यूस करेगा तो ये +2 में जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा K4FeCN6 ये बनेगा. तो यहाँ आप देखोगे Fe का +2 हो गया, और साइड प्रोडक्ट H2O भी बनेगा बच्चों, प्लस O2 भी बनेगा. अब मीडियम जब आप बेसिक लोगे ना, जैसे मैंने KOH ले लिया एक तरह से बेस, KOH मैंने जैसे एक बेस ले लिया एग्जांपल लिए, ठीक है ना, ये हमने KOH ले लिया. तो अब यहाँ पर आप इसको बैलेंस भी कर लेना, जैसे आप इसमें ये 2 यहाँ लगा दो, 2 इधर लगा दो, और 2 इधर लगा दो, ये देखो आपके पास बैलेंस आ जाएगी. तो ये बेसिक मीडियम में क्या, देखो एक तो ऑक्सीजन और एक वाटर, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये बेसिक मीडियम में है, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में. ठीक है बच्चों, और एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ये +2 +3 में जाता है. ठीक है, और वहां प्रोडक्ट क्या बनता है, केवल H2 बनता है, वहां O2 नहीं बनता है एसिडिक मीडियम में. बेसिक, अब आप ये बोलोगे कि बेसिक मीडियम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल के कारण होता है, इनका स्टैंडर्ड जो है अपन
ईएमएफ लेते हैं या पोटेंशियल लेते हैं, वो पोटेंशियल क्या होता है बेसिक मीडियम में, इसके लिए फेवरेबल होता है। बेसिक मीडियम में यहाँ पर H2O2 जो होता है वो O2 में चला गया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, देखो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अब यहाँ पर इसको रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब देखो बेसिक में रिड्यूस कर रहा है, एसिडिक में क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है। बच्चों क्लियर होगी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये कई बच्चों के बहुत सारे मतलब बच्चों के गलत भी होता है ये क्वेश्चन, कहीं क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कराना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए कि एसिडिक मीडियम में तो ये ऑक्सीडाइज करेगा और बेसिक मीडियम में रिड्यूस करेगा हमारा, तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, क्षारीय विलयन यानी एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन सोल्यूशन में अब रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब प्लस थ्री कॉम्प्लेक्स प्लस थ्री में, और प्लस थ्री से किस में जा रहा है, प्लस टू में जाएगा। और ये एक बार नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, और ये जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें जो यहाँ रिड्यूस करता है ना, रिड्यूस करने के बाद में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, H2O और O2 बनता है, जबकि एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, ओनली H2O बनता है, O2 नहीं बनेगा। और यहाँ आप ये देख लो कि प्लस टू से प्लस थ्री से प्लस टू में गया, तो ये देखो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। और H2O2 का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है तो ये इसको क्या कर रहा है बच्चों, रिड्यूस कर रहा है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर में जा रहा है तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब H2O2 है वो किस में जा रहा है, O2 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है आपका ऑक्सीजन का, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, इधर आपके पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है। क्लियर होगी बात, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर, SnCl2 गिव्स ए प्रेसिपिटेट विद ए सॉल्यूशन ऑफ HgCl2, इन दिस प्रोसेस HgCl2 इज। तो देखिए बच्चों SnCl2 जो होता है ना, SnCl2 इसकी रिएक्शन हम देखते हैं यहां पर, SnCl2 है और रिएक्शन कर रहा है HgCl2 से। अब आप यहां देखें SnCl2 ये प्लस टू में है तो ये प्लस टू प्लस फोर में जाता है, और HgCl2 ये प्लस टू में है तो ये प्लस वन में जाता है, तो रिएक्शन होकर के ये जाएगा SnCl4 में और ये जाएगा HgCl2 में, प्लस वन में जाएगा, तो ये प्लस फोर में चला गया। तो यहाँ आप ये देख रहे हो, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, राइट, और बच्चों ये हो गया है रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन हो गया है और एक रिडक्शन हो गया है। तो अपने को क्वेश्चन पूछा SnCl2 गिव्स ए प्रेसिपिटेट विद ए सॉल्यूशन HgCl2, HgCl2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देखना आपको, ठीक है। तो HgCl2 बच्चों क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, देख लो ध्यान से, ये प्लस टू से क्या गया, प्लस वन में गया, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, और SnCl2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए इन फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास एक Br2CO3 कार्बोनेट H2 दे रखा है, Br-BrO3 और बाइकार्बोनेट आयन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमारे को जो है ये पूछ रहा है कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो बिल्कुल देखो क्लियर रिएक्शन है सामने आपके, आप सीधा सा रिएक्शन लिखो Br2 और प्लस CO3 2 माइनस और प्लस H2O। अब मैं डायरेक्ट ब्रोमीन के रेफरेंस में बात करूं तो Br माइनस में जा रहा है बच्चों, और BrO3 माइनस में जा रहा है, और प्लस HCO3 माइनस में जा रहा है। तो देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, जीरो है, इधर कितना है, -1 है, इधर Br का कितना है, +5 हो गया, क्लियर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये बच्चों हो गया है
रिडक्शन और ये हो गया है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास आ रही है एक रिएक्शन दी है C2O4 MnO4 और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रिडक्टेंट कौन है, रिडक्टेंट का मतलब अपचायक कौन है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा आपको। देखिए बच्चों यहाँ पर जो C2O42 नेगेटिव है और प्लस MnO4 नेगेटिव है और ये है एसिडिक मीडियम में, तो आप ये देखो कि C2O4 में किस में जा रहा है CO2 और ये जा रहा है Mn+2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करो, देखो 2 और ये हो गया 4 × 2 8 और ये 6 है, एक कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर एक कार्बन का है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, इधर Mn का कितना है आपके पास +7 है, इधर कितना है +2 आ रहा है, तो आप ये देखोगे +3 से +4 का मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब वो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ आप इसका हो रहा है आपका देखो +7 से +2 तो इधर ऑक्सीडेशन तो इधर हो गया रिडक्शन, क्लियर होगी बात, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास C2O42 नेगेटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए सिंपल आपको पता है कि CO जो होता है ना मेटल कार्बोनिल में CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जीरो होता है, तो ये सीधा सा आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य पूछ रही किस में आ रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पर FeCO5 होता है ना उसमें क्या आता है जीरो ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो फोर्थ आ जाएगा आपका, बाकी में देखो संक्रमण धातु क्रोमियम है यहाँ पर, क्रोमियम यहाँ +6 होता है, ये आपको पता है इसका बटरफ्लाई शेप होता है, ये जो CrO5 होता है ना इसका आपको पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ये बटरफ्लाई शेप होता है फर्स्ट, ये हाइड्रोजन आ गया NH2NO3, इसमें तो है ही नहीं आपके पास ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, और NOCl4 में भी कहाँ ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल पहली बात पहले और चौथे में ही आ रहा है आपके पास, तो इधर आपके पास जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा X=0 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जीरो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। चलिए बच्चों हम जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, HNO2 एक्ट एज बोथ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट वाइल द HNO3 एक्ट एज ओनली ऑक्सीडेंट, तो इट इज टू देयर, देखो HNO3 जो होता है ना इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या है हाईएस्ट में आ रहा है, देखिए ये हमारे पास क्या है तो इसमें बच्चों देखो HNO3 जो है HNO3 इसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आने के कारण, अब देखो ये ध्यान रखो जिनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना वो बिहेव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ध्यान रखिए जैसे हायर
ऑक्सीडेशन नंबर में वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और एक आता है बच्चों मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और दोनों के अंदर आता है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, बीच में रहता है इंटरमीडिएट, तो वो बिहेव करता है दोनों की तरह। समझ गए होंगे बात, आप क्लियर होगी बात। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपका करेगा किसकी तरह ऑक्सीडाइजिंग, और लोअर वाला या मिनिमम वाला क्या करेगा, रिड्यूसिंग। तो ये बोल रहा है कि ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी इसकी, अधिकतम आ जाएगी आपका। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखिए बच्चों, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ BaO2 विद द डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन लिखिए पहले आप। सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास है BaO2, बेरियम परोक्साइड। देखिए अब हमारे पास आता है प्लस H2SO4। रिएक्शन लिख के पहले प्रोडक्ट बना लीजिए। तो ये बनेगा BaSO4 और प्लस H2O2, ये है। तो इसमें बच्चों हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को चेक करना है। ये पूछा था प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट में पूछ रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इधर हमारे पास -1 है। क्लियर बात, देख लीजिए। तो हमारे पास -1 भी है और -2 भी है, दोनों आ जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता बच्चों, ये पूछ रहा है कि द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन एज FeH2NO द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इज। तो ठीक है, तो ये एक बड़ा वेल पॉपुलर क्वेश्चन है। इसमें जैसे आयरन के जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें NO का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मान के चलना, हमेशा 0 मान के चलना है अकॉर्डिंग टू IUPAC, ध्यान रखना है आपको। इसमें हमारे पास ये जो आ रहा है NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान के चलना है, आपको 0 मान के चलना है। तो बच्चों हमारे पास भूरी वलय वाला जो कंपाउंड है ना, तो इसमें NO का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या मान के चलना है, 0 मानना है, ठीक है। तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को चेक करना है, तो Fe का चेक करना है तो आप इसका मान लो X। ये H2 का 0 हो गया और NO का भी, सॉरी मैंने NO का थोड़ा सा गलत कर दिया, NO का जो है ना 0 भी मानते हैं और +1 भी मानते हैं, दोनों मानते हैं, ठीक है। 0 भी मानते हैं और +1 भी मानते हैं। लेकिन जो आयरन के कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें आपको क्या मानना है, इसको +1 मान। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम किस में मानेंगे, आयरन के कॉम्प्लेक्स में, इन आयरन कॉम्प्लेक्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करेंगे, +1 मानेंगे आयरन कॉम्प्लेक्स में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आप ये देखो, इसका एक्स ले लिया, वाटर का 0 हो गया, ये 0 आ जाएगा आपके पास, और प्लस यहाँ आप +1 ले लोगे, ठीक है। और ये सल्फेट का हो गया -2, ये हो जाएगा आपका 0। तो बच्चों यहाँ एक्स आ जाएगा आपका +1, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, पहले मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक बोल दिया था कि भी 0, लेकिन 0 भी होता है और +1 भी होता है। लेकिन आयरन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें IUPAC के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है अपने को। जब भी कोई आयरन का कॉम्प्लेक्स मिल जाए आपको, तो NO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान के चलोगे आप,
प्लस वन मान के चलोगे और बाकी में क्या मान के चलोगे, जीरो मान के चलोगे। इसमें दोनों होता है, ये इसको न्यूट्रल भी कंसिडर करते हैं और पॉजिटिव भी कंसिडर करते हैं, कैटायनिक स्पीसीज भी कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल भी करते हैं, जैसे लिगेंड की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल लिगेंड भी होता है और प्लस कैटायनिक लिगेंड भी होता है, दोनों कंसिडर करते हैं अपन। लेकिन ये आयरन के कॉम्प्लेक्स में इसको क्या मानेंगे अपन, कैटायनिक लिगेंड मानेंगे, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर एस एट में सल्फर की ऑक्सीडेशन आपको संख्या और संयोजकता पूछी है, वैलेंसी पूछी है। तो आपको पता है देखो, एक होती है कोवैलेंसी और एक होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी का मतलब यहाँ पर हमारा वैलेंसी के इक्वली ले रहे हैं, वैसे कोवैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ कोवैलेंसी जो है, या मेरे को वैलेंसी जो होती है ना, वो क्या होती है, फिक्स होती है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर एस एट क्या होता है, फ्री स्टेट में होता है। तो इसका अपने को ऑक्सीडेशन जो स्टेट है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एस एट का, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका। और वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी जो है इसकी कितनी होगी, टू। वैसे इसमें कोवैलेंसी और वैलेंसी दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन वैलेंसी और कोवैलेंसी को कई जगह अपन क्या मान सकते हैं, एक ही मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चले तो दो और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ जाएगा जीरो और कोवैलेंसी या वैलेंसी जो होती है वो दो हो जाएगी, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चों, तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो इसको। तो यहां पर Fe3O4 है ना, तो ये ले लो 3x और प्लस 4-2 इक्वल जीरो, ये लेके चलो। तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा बच्चों, 8y3 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8y3। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक मोल SN+2 से K2Cr27 के कितने मोल अपचित होंगे, यानी कैन बी रिड्यूस बाय मोल ऑफ SN+2। तो ध्यान रखिए, देखिए इसमें क्या करना है कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ग्राम इक्विवेलेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के क्वेश्चन जो है आपने करे होंगे, तो इक्वल कर लीजिए। तो हम ये कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये कर लेंगे हम। तो देखिए, और इसमें हम ये इसको क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इधर भी मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो इधर हमारे पास जैसे एक ले लिया हमने K2Cr27 का, एक ले लिया SN+2 का, दोनों में हम कंसीडर कर लेंगे, एक SN+2 के लिए कंसीडर कर लेंगे और एक हम कर लेंगे K2Cr2O7 के लिए कंसीडर कर लेंगे, दोनों चीज़ें ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr27 रिड्यूस बाय वन मोल ऑफ, यानी इसका मोल कितना है हमारे पास, वन है, और वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। देखिए ये SN+2 जो होता है SN+4 में जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा, 2 लिख दिया हमने। इसके बाद में हमारे पास मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो इसका मोल देखो हाउ मेनी मोल्स, यानी मोल्स फाइंड आउट करना है बच्चों हमारे को इसका, और प्लस वैलेंसी फैक्टर K2Cr2O7 है। तो ये जो है हमारे पास कितने का चेंजेज आ जाएगा, इसमें 6 का चेंजेज आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा,
एसिडिक मीडियम में इसमें 6 का चेंजेज आता है, तो एन की वैल्यू जो हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, 1/3 आ गई है, 1/3। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ओके तो ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप ध्यान रखो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों इक्वल कर लो। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट में भी आते हैं, प्लस रिडॉक्स में भी आते हैं। तो रिडॉक्स में जब भी क्वेश्चन आता है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल करके सोल्व कर लीजिए बच्चों। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन आ रही है, MnO4 C2O4 H प्लस Mn2 और प्लस CO2 H2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अपने को इक्वेशन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, तो बैलेंस करके आप चेक कर लीजिए इसमें। तो सबसे पहले देखिए MnO4 जो होता है आपका, ये किस में जाएगा बच्चों, Mn+2 में जाता है। किस में जाता है ये, Mn+2 में जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें, देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए अपोजिट साइड में, तो ये हो जाएंगे 4H2O, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड में आप क्या जोड़ोगे, 8H+ ऐड कर दीजिए, क्लियर है। अब आप लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लीजिए, इधर आपके पास कितने हैं, 8+ के हैं, तो ये हो गए 7 और ये 2, तो इधर आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब आप चलिए दूसरा C2O4 वाले रिएक्शन में चलें, तो C2O4 2 नेगेटिव जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया आपका। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर कार्बन को बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए, इधर 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, अब यहाँ चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए बच्चों। अब आप ओवरऑल रिएक्शन को लिखोगे ना, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, तो इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर लो, F5 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास जो है ना, ये जो 5 × 10, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके इस हिसाब से यहाँ आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 MnO4, MnO4 के तो 2 हो जाएंगे आपके पास, क्लियर। और यहाँ 16 हो जाएंगे H+, 16 H+ हो जाएंगे आपके पास, देखिए 2 MnO4 और प्लस 16 H+ हो गए आपके पास। और इधर आपके पास ये हो गया 5 C2O4 2 नेगेटिव हो गया है बच्चों, 5 C2O4 नेगेटिव हो गया। इसके बाद में इधर आप लिख ही दोगे, इधर आपके पास जो है 2 Mn+2 हो गए आपके पास, और इधर फिर इधर ऑक्सीलेट लिख दो, CO2 लिख दो, 10 CO2 हो गया, और ये हो गया 8 H2O। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, तो आप फैक्टर देख कंसीडर कर लीजिए, तो 2 चाहिए, एक 16 चाहिए, एक 5 चाहिए। तो ये हमारे पास से फर्स्ट आंसर में आ रहा है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चों देखो बैलेंस हो गई, एसिडिक मीडियम बैलेंस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इधर H+ उतने जोड़ दिए, और बेसिक होता है तो जितने H+ होते हैं ना लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में जोड़ दो, बस बेसिक मीडियम का ये तरीका रहता है। और एसिडिक मीडियम के अंदर हमारे पास क्या होता है, H+ तक छोड़ देते हैं। अब ये हमारे को पता चल रहा है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस है रिएक्शन। ओके नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाएगा कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट आंसर, क्लियर होगी बात। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जाएगा वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए बच्चों 14 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्न में कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो प्रबलतम ऑक्सीकारक के लिए देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ये पोटेंशियल दे रखा है, और पोटेंशियल कौन सा दे रखा है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं
देखिए बच्चों, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाईएस्ट होगा, मैं ये कहूँगा कि मोर रिडक्शन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल वर्ड है मेरा, तो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा। इसका मतलब देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका पोटेंशियल है, थर्ड का, जो थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चले। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ द आयरन बाय जिंक कोटिंग इज द कॉल्ड, तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आपको पता है कि जैसे आपके पास जो आयरन होता है ना, जैसे मान लो आपके पास ये कोई Fe है आयरन, और इसके ऊपर ऐसे जिंक की लेयर जो होती है वो कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग कोटिंग कर देते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, और इसी को बोलते हैं बच्चों गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, एक वर्ड आता है वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन में क्या होता है, सल्फर को ऐड करते हैं अपन रबड़ के अंदर, जो रबड़ होता है ना उसमें सल्फर ऐड करते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन, सॉरी उसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। CrO3 4OH KiO3 CrO4 H2O, तो अभिक्रिया में Ki3 का तुल्यांकी भार पूछा है, इक्विवेलेंट वेट पूछा है बच्चों। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें हमारे पास KiO3 का पूछा है, तो KiO3 के अंदर आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए कितना है, आयोडीन का +5 है बच्चों, इधर हमारे पास कितना आ रहा है, ये +5 आ रहा है, इसका +5 ले लेता हूँ मैं ऑक्सीडेशन नंबर, और इधर हमारे पास आयोडीन का आ रहा है -1, राइट। तो चेंज कितने का हो गया, 6 का चेंजेस आ गया। तो हमारे पर यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KiO3, तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा और उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का डिवाइड कर लेंगे, कितने का, 6 का डिवाइड कर लेंगे बच्चों, कितने का डिवाइड कर लेंगे, 6 का। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आप H3PO3 तथा H3PO4 के लिए क्या करेक्ट है, फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज। देखिए बच्चों, इसकी आप जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए पहले, H3PO4 जो होता है ना, इसके अपन स्ट्रक्चर देखें, तो H3PO4 के अंदर देखिए ये फॉस्फोरस आपने लिया, ये डबल बॉन्ड ले लिया आपने, इधर OH आ गया आपके पास, फिर आपके पास एक H आ गया, फिर ये OH आ गया। सबसे पहले हमने ले ली H3PO4 की स्ट्रक्चर, राइट, H3PO3। अब H3PO4 की स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमारे पास P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये OH। अब आपके पास में यहाँ ये चेक करना है कि कौन सा तो जो है आपके पास डाई बेसिक है, तो 2H+ देगा वो डाई बेसिक है, यहाँ पर H आपके पास कितने बच्चों, 2 है, तो ये डाई बेसिक है, और इधर हमारे पास 3H आ रहे हैं तो ये ट्राई बेसिक हो गया। लेकिन देखो जिसमें pH बॉन्ड होता है ना, pH बॉन्ड, ये pH बॉन्ड, उसके कारण वो रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये होता है रिड्यूसिंग नेचर। जैसे जैसे नंबर ऑफ pH बॉन्ड बढ़ते हैं वैसे वैसे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती है इसकी। ये फॉस्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड आपके पास रहते हैं, एक है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है और एक आपके पास जो है वो अस एसिड है, एक इक है और एक अस एसिड है,
ठीक है, इसमें दो होते हैं हमारे पास, एक हाइपोफोस्फोरस, ये हाइपोफोस्फोरस है, और एक होता है जैसे इसमें बनता है हमारे पास सोडियम हाइपोफोस्फाइट, जैसे आपने PH3 वाली रिएक्शन ली थी याद है तो आपको, सोडियम हाइपोफोस्फाइट बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो एसिड है, तो इसमें पीएच बॉन्ड है, इसमें क्या है आपके पास, इसमें पीएच बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब देखो H3PO3 है ना, वो डाई बेसिक भी हो गया है और रिड्यूसिंग भी हो गया है बच्चों, H3 डाई बेसिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है, तो आंसर कौन सा गया फर्स्ट। और देखिए कोई दूसरा, ये सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा, डाई बेसिक है लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग बोल रहा है, तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। और ये देखिए ट्राई बेसिक है लेकिन ये बोल रहा है रिड्यूसिंग, तो ये रिड्यूसिंग नहीं होगा ये हमारे पास, क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड ही नहीं है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है इसकी। और यहाँ देखिए ये बोले ट्राई बेसिक है और ये नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, H3PO3 बोल रहा है, अब H3PO3 ट्राई बेसिक है ही नहीं, यही गलत हो गया आपका। तो हमारा आंसर देखो कौन सा बेटा जो है फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है 1 mole N2H4 जो है वो 10 mole इलेक्ट्रॉन खोकर एक नया यौगिक वाई बना देता है। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, N2H4 है, ये 10 mole इलेक्ट्रॉन खो दिए इसने, तो N2H4 पे +10 आ गए और ये 10 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिए हैं। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोल रहा है वाई, ये मानते हुए कि पूरी नाइट्रोजन नए यौगिक में उपस्थित है, ये पूरी नाइट्रोजन इसमें है, तो N2 की ऑक्सीकरण, N2 पूछा बच्चों, क्या पूछा है, N2 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, और हाइड्रोजन की मानना आपके पास कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसका मैं देखो इसको आप ले लो 2x मान लिया नाइट्रोजन का, तो दो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे 2x हो गया, और 2x हमारे पास आ गया और ये हो जाएगा 4 और इक्वल हो गया बच्चों 10, ठीक, 2x प्लस 4 इक्वल टू 10 हो गया। तो हमारे पास देखिए 2x कितना आ गया, देखिए 6 आ गया, तो x कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +3, फर्स्ट +3 ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो N2 का मतलब यहाँ नाइट्रोजन से ही मतलब है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ऑल एज्यूमिंग दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर इन द न्यू कंपाउंड, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N2 इन द Y, ठीक, ध्यान रखना है अपनों। तो यहाँ पर आपके पास जो है ओवरऑल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें या तो 3 और एक 6 का ऑप्शन होता, लेकिन हमारे को पूछा क्या, खाली नाइट्रोजन का ही पूछ रहे, तो एक ही ऑप्शन बेटर है +3, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका। अब आ जाइए हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे पास है एक उदासीन जलीय माध्यम में आपको दे रहा है MnO42-1 mole और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन हो रही है, तो ये आपको क्या करना है, इसमें चेंजेस देखना है, एक तो क्या क्या चेंजेस आपके पास आ रहा है, एक तो ये चेंजेस आपको करना है कि क्या क्या चेंजेस आपके पास आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास है MnO42-2 है, तो ये क्या होता है देखो बच्चों, बेसिक न्यूट्रल मीडियम में है ना, एक तो ये चेंज होता है MnO4-1 में, सबसे पहले तो ये लिख दी। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चलो, देखो सब बैलेंस है, खाली इलेक्ट्रॉन ही तो बैलेंस नहीं है, तो इधर आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया आपने, ठीक है। अब चलिए दूसरी रिएक्शन MnO42- जो है वो चेंज होता है बच्चों MnO2 में, ये ध्यान रखना है MnO2 में चेंज होता है, ठीक है ना। ये जो हिंदी में लिख रहेगा ना, अब ये जो हमारे पास हिंदी में दोनों में, ये नाइट्रोजन जो है ये आप स्मॉल में कर लेना सब, ये स्मॉल में है, ठीक है ना, ये MnO2 है सब में, ये ध्यान रखना है सब में MnO2 है। तो MnO4- जो आ रहा है MnO4- में जा रहा है, MnO4-2 जा रहा है, MnO2 में जा रहा है अपने पास, और प्लस इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करें अपन, इधर 4 ऑक्सीजन है और उधर 2 ही है, तो आप क्या करो बच्चों, इधर 2H2 जोड़ दो, 2H2 जोड़ दिया। अब इधर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, +4H जोड़ना पड़ेगा, 4H भी ऐड कर दिया आपने,
अब चार्ज बैलेंस करिए आप, इधर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस टू, और इधर हमारे पास चार्ज है दो, तो इधर अपने को कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, टू इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ गए। ठीक, अब आपको ओवरऑल ये पूरी रिएक्शन जोड़नी है, पूरी रिएक्शन जोड़नी है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हो तो आप ऊपर वाले को जो टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास टू इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में कैंसिल हो गया। अब आप ओवरऑल ऐड कर दिए, देखो ये कितना हो गया, थ्री एम एन ओ फोर टू नेगेटिव, इधर आपके पास आ गया टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस एम एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो अब बच्चों देखो इसमें क्या पूछा है कि वन मोल लेना है आपको, इसका वन मोल लेना है, तो वन मोल के लिए ये थ्री मोल के लिए देखो, ये थ्री मोल है, इधर टू है और इधर आपका क्या है वन है, ये इधर वन आ रहा आपके पास, तो इसका यदि अपन वन मोल लेंगे, वन मोल, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा बच्चों टू थ्री, और इधर कितना आ जाएगा हमारा वन थ्री, तो टू थ्री, टू बाई थ्री मोल तो आ गया एम एन ओ फोर के, वन बाई थ्री मोल आ जाएगा एम एन ओ टू के, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है एक सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है कि भी सॉल्युबिलिटी आपकी किसकी ज्यादा है और किसकी कम आ रही है, और एक हमारे पास सॉल्युबिलिटी के लिए फैक्टर भी होते हैं, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, तो देखिए आपको पता है सॉल्युबिलिटी, जैसे मान लो आप CO2 गैस लेते हो, CO2 गैस को जैसे सोडा वाटर की बोतलें होती है, तो आप उसको एक प्रेशर के साथ, ठीक है, उसको डिजोल्व करते हो, तो हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी फेवर के लिए टेम्परेचर जैसे आपको कम रखना पड़ता है, हेनरी लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम रखो, और नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करेगा, आप जैसे मान लो कोई पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व होगी, तो यहाँ हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर आ जाएंगे, ओवरऑल ऑल फैक्टर आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, ये सभी फैक्टर पर डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर जो है आपको लेने पड़ेंगे, प्रेशर है, टेम्परेचर है और नेचर ऑफ गैस है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस का मतलब है जैसे प्रेशर तो आपको रखना चाहिए हाई, टेम्परेचर रखना चाहिए कम, और जैसे मान लो आपके पास जैसे मान लो पोलर गैस है तो वो पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व होगी, तो यहाँ हमारे पास ये है अकॉर्डिंग टू हेनरी लो, हेनरी लो के अकॉर्डिंग आप बता दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता बच्चों विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर D2O, D2O के लिए क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है, ड्यूटेरियम जो हैवी वाटर होता है ना उसके लिए पूछ रहा है, तो देखिए D2O जो है उसका पूछा है क्वथनांक जो है, एक तो हमारे पास आ रहा है कि क्वथनांक जो है वो H2O से ज्यादा होता है, तो सही बात है, क्वथनांक आपको पता है वो किस पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास सही हो गया। फिर D2O H2O की अपेक्षा धीमी गति से होता है, ये बात भी सही है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक होता है जैसे CD बॉन्ड और एक होता है आपने पढ़ा है CH बॉन्ड, तो जो फास्ट बॉन्ड कौन सा टूटेगा, ये टूटेगा और ये स्लो टूटेगा, ये स्लो ब्रेक होगा और ये होगा फास्ट ब्रेक, क्लियर होगी बात, इसका मतलब D2H2 की अपेक्षा धीमी रिएक्शन इसकी स्लो होगी सारी सारी। फिर हमारे पास आता है 25 डिग्री पर शांता H2 से अधिक होती है इसकी, विस्कोसिटी इज हायर देन H2 एट 25 डिग्री, तो सही बात है ये, इसमें एसोसिएशन क्या होता है ज़्यादा होता है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर आता है सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इन इट, देखिए इन NaCl इन इट इज मोर देन H2O, ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि जो D2O होता है ना वो ज़्यादा पोलर होता है,
ध्यान रखना है D2O जो है वो ज्यादा पोलर होता है H2O से, पोलरिटी जो होती है ना, पोलरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, पोलरिटी बोल दो या डाइपोल मोमेंट बोल दो, म्यू म्यू जो है वो D2O का ज्यादा होता है H2O से। तो ये बोल रहा है कि सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इन इट इज मोर देन H2O। क्लियर होगी बात? ये थोड़ा मैंने से सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये सीक्वेंस थोड़ी सी रॉन्ग कर दी मैंने बच्चों। देखिए ये जो जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है, जो पोलरिटी है ना वो H2 की ज़्यादा होती है, डाइपोल मोमेंट म्यू जो होता है ना वो H2O का D2O से ज़्यादा होता है, पोलरिटी इसकी ज़्यादा होती है, ये कम पोलर होता है। तो यहाँ पर सोलिबिलिटी ऑफ NaCl इट इज़ मोर देन H2O, H2 से ज़्यादा नहीं होगी, सोलिबिलिटी तो इसकी ज़्यादा होगी, यानी NaCl की सोलिबिलिटी जो आएगी वो H2O में क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर सोल्यूबल। तो आंसर जो आएगा फोर्थ। क्लियर होगी बच्चों? डाइपोल मोमेंट या पोलरिटी, ये ध्यान रखना है, पोलरिटी जो ऑर्डर है हमारा ये करेक्ट ऑर्डर आएगा, ये करेक्ट ऑर्डर है पोलरिटी का हमारे पास, कि ये वाटर की पोलरिटी जो है D2 से ज्यादा होगी। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन। देखो बच्चों इसमें क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो सिंपल, आपको क्या है वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखी है, वेट पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें हम क्या लेते हैं, देखिए मोलरिटी जो है एम वो है वेट गिवन डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट और इनटू वॉल्यूम, जैसे एमएल में है तो 1000 से कर दो मल्टीप्लाई ऊपर। तो बच्चों हमारे पास मोलरिटी कितनी है, 0.25 है, वेट निकालना है डब्ल्यू ले लीजिए, मोलिकुलर वेट निकालो Na2CO3 का 106, सोडियम का 1 का 23, 23 × 2 = 46 और कार्बोनेट का हो गया 60। तो ये अपन ऐड कर लेंगे, 106 हो गया और वॉल्यूम हो गया 250 × 1000। ठीक है बच्चों, तो ये सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा W 6.625 ग्राम, ये फोर्थ आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। एक मोलर H2SO4 के 1 लीटर विलीन को 5 लीटर तक तनु करने पर विलीन की नॉर्मलता क्या होगी? देखो बच्चों ओन डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी अपन डाइल्यूट करते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन और ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल कर लेते हैं अपन। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए ओन डाइल्यूशन N1V1 बराबर N2V2 ये इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों डाइल्यूट 1 लीटर 1 मोलर H2SO4 है। अब आपको पता नॉर्मेलिटी जो होती है N मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, ये भी ध्यान रखना आपको, नॉर्मेलिटी जो होता है वो वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास देखो 1 लीटर वॉल्यूम आपके पास कितना है, जैसे मान लो 1 लीटर आ गया और 1 मोलर दे रखा है, और ये 1 मोलर आ गया और वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया है। अब हमारे पास दूसरी तरफ चले, 1 लीटर वॉल्यूम 5 लीटर तनु कर दिया, तो मतलब पहले 1 लीटर था 5 मिला दिया, तो अब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 6
नया वॉल्यूम हमारा 6 लीटर हो गया है और नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, तो ये एन क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 1/3, ये हो गया 0.33, तो ये आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, नाइन पॉइंट टू ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर, 2 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इजी से क्वेश्चन, अभी आपने जो फॉर्मूला लगाया वही अप्लाई करना है आपको इसमें, इसमें देखिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं, मोलरिटी जो है अभी वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और यहाँ वॉल्यूम आप जैसे लीटर में लोगे, ये ले लीजिए लीटर में, ठीक है, ml लोगे तब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर 9.28 ग्राम आपका क्या है, वेट है 9.28, और मोलिकुलर वेट जो है बच्चों इसका H2SO4 का कितना होता है, 98 ही होता है, ये रख दिया आपने, और वॉल्यूम बोलिए आपके पास कितना है, 2 लीटर है, ये 2 लीटर रख दिया आपने, बस ये आ गया आपके पास, यहाँ इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये नीचे हो गया आपके पास 1/20, और इसका मतलब 0.05 मोलरिटी आ जाएगी आपके पास, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखिए 19.85 ml 0.01 m कास्टिक सोडा विलीन की पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 20 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विलीन की मोलरता क्या होगी। तो देखिए इसमें भी क्या है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और न्यूट्रलाइजेशन हम ये कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, वे दोनों इक्वल कर सकते हैं अपन। अब यहाँ कास्टिक सोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो वहाँ M1V1 M2V2 भी कर सकते हैं अपन। तो देखिए हमारे पास 20 ml जो है HCl सॉल्यूशन है, उसके रिक्वायर है 19.85 ml ऑफ 0.01 m मोलरिटी का सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो देखिए बच्चों हम ये कहेंगे M1V1 HCl का ले लेंगे, M2V2 ये ले लेंगे हम कास्टिक सोडा NaOH का, तो M1V1 बच्चों देखिए हमारे पास मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, M1 निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास है 20 ml, इधर हमारे पास मोलरिटी है 0.01 है, वॉल्यूम बोलिए 19.85 आ जाएगा, तो ये आप इसको M1 बराबर ये इसको सोल्व कर लीजिए, 0.01 डिवाइड ये हो गया बच्चों 20 और ये 19.85, तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0099, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन में आइए बच्चों, देखिए इसमें हमारे पास एक मिश्रण दे रखा है, 18 ग्राम जल है और 414 ग्राम एथेनॉल है, और मिश्रण में जल का मोल प्रभाज पूछा है, मोल भिन्न पूछी आपको, और मिश्रण आदर्श व्यवहार मान करके बोल रहे हैं, आदर्श व्यवहार का मतलब है कि दोनों में रिएक्शन नहीं हो रही, अपन ये मान के चले। देखिए बच्चों जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन H2 पूछा है, तो क्या होता है, खुद के मोल मतलब वाटर के मोल प्लस NH2O
प्लस एन सी टू एच फाइव ओ एच, ये मोल लेना है अपने को, वाटर के मोल ले लें और टोटल मोल ले लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 18 ग्राम है, तो एन वाटर के बना लेंगे अपन 18 डिवाइड 18, तो ये 1 मोल हो जाएगा। अब बना लेते हैं अपन एल्कोहल के मोल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 414 ग्राम, और इसका 46 का डिवाइड कर लेंगे अपन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 मोल। ठीक है, अब हमारे पास वाटर की बात करें तो वाटर का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो गया, टोटल मोल हम देख लेंगे 1 प्लस 9, तो 1/10 हो गया है, तो ये 0.1 आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात, देख लीजिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये 1.5 NH2O2 की विलयन की आयतन सामर्थ्य पूछी है, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपको बच्चों। तो देखो इसमें वैसे लंबा चौड़ा निकालें तो अपन बैलेंस करते हैं और पूरा देखते हैं, टाइमिंग ज़्यादा लगता है, तो इसमें सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का। वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी जो होती है उसको बच्चों 5.6 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी कितनी है, 1.5 × 5.6, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8.4। ठीक है भाई, तो ये फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला है, ये सीधा सा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो होती है इसकी, वो नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वॉल्यूम से निकालो नॉर्मेलिटी आप रख दीजिए नॉर्मेलिटी, और उसमें मोलिटी रिलेशन होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी जो फैक्टर आता है, और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होता है, H2O2 का 2 होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग भी होता है रिड्यूसिंग भी होता है तभी भी 2 होता है, और ये एसिड की तरह बिहेव करता है तभी भी 2 होता है, तो 3 फंक्शन होते हैं, ये एसिड भी मानते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सब में, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 फिक्स होता है आपका। तो ये आपका जो है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5.0 ग्राम BaCl2 10^6 ग्राम विलयन में उपस्थित है उसका सांद्रण क्या होगा, मतलब आपको पूछा है कंसंट्रेशन क्या होगी। देखिए हमारे पास कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी होती है PPM के अंदर, तो कंसंट्रेशन जब PPM में निकालते हो आप, PPM में पार्ट्स पर मिलियन में, तो हम क्या करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन ऊपर लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट नीचे आता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू होता है 10^6। क्लियर, PPM में जब भी निकालते हैं, ये PPM जो अपन कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर कोई भी अमाउंट बहुत ही माइनर में होती है, जैसे कई एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, जैसे फ्लोराइड होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट अपने को बहुत ही कम होती है, पार्ट्स पर मिलियन में होती है, मतलब 10 लाख में से कितना पार्ट आ रहा है उसका। तो देखिए हमारे पास ये है 5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना, 10^6 है इंटू 10^6 है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5 PPM आ गया बच्चों, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये जो परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी होती है तो उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों अपन, 29 नंबर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2O4 सॉल्यूशन। देखिए मोलरिटी फाइंड आउट करनी है आपको, और डेंसिटी जो है आपके पास गिवन है, डेंसिटी गिवन है यहाँ आपके पास, डेंसिटी डी जो है वो है 1.84 है। अच्छा अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 98% बाई वेट,
तो 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मोलिटी लगा दीजिए, मोलिटी हो गया आपका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और ये वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों, ये ml में लोगे तो 1000 से ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। बस आप निकाल लीजिए, यहाँ पर वेट कितना हो गया, 98 डिवाइड 98, और वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन, और डेंसिटी कितनी होगी 1.84। तो ये देखिए आपका ये आ जाएगा 100, ठीक है, 1.8 ऊपर चला गया आपका, नीचे आ गया आपके पास 100, और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 18.4 आ जाएगा आपका, तो ये आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए 30 क्वेश्चन में, 30 में 0.50 मोल CaCl2 को 0.20 Na3O4 के साथ मिक्स कर रहे हैं अपन, तो अधिकतम मोल कितने मिलेंगे अपने को कैल्शियम फॉस्फेट के। तो देखिए पहले अपने रिएक्शन आपने लिख ली, CaCl2 को मिक्स कर लिया आपने Na3PO4 में मिक्स कर लिया बच्चों, रिएक्शन करवाई, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया Ca3PO4 का 2, और प्लस आपके पास आ जाएगा बच्चों NaCl, ठीक है ना। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, इधर लगा दीजिए आप 3, इधर लगा दीजिए 2, तो ये हो जाएगा आपका 6NaCl। अब इसमें देखो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना बच्चों। तो लिमिटिंग रीजेंट हमारे पास क्या है, ये है LR, ये लिमिटिंग रीजेंट है, क्योंकि देखो लिमिटिंग रीजेंट कैसे निकालते अपन, जो मोल गिवन होते हैं डिवाइड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट, तो हमारे पास जो गिवन मोल है ना इसके हैं 0.20 और डिवाइड स्टाइक्योमेट्री क्या आएगा 2, और इधर गिवन मोल आपके पास है 0.50 और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट आपके पास क्या 3 है, ये वैल्यू आपके पास क्या है मिनिमम है, इसीलिए ये लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसका 2 आ रहा है तो इसका 1 आ रहा है, ठीक है बच्चों, इसके 2 के अकॉर्डिंग इसका 1 आ रहा है, और 1 के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 1/2, और इसका आपका पास 0.20 के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.10, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ये सबसे पहले इसमें आपको लिमिटिंग रीजेंट पहचानना पड़ेगा। लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास जो गिवन मोल होता है और उसमें स्टाइक्योमेट्रिक को डिवाइड कर लो, फिर उसमें देखो कि मिनिमम वैल्यू किस में आ रही है, मिनिमम आएगा वही वही लिमिटिंग रीजेंट होगा, और प्रोडक्ट जो डिटरमाइन करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है ना, सीमांतकारी जो अभिकर्मक होता है उसके अकॉर्डिंग हम उत्पाद का निर्धारण करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन 31 नंबर क्वेश्चन में। अब ये पूछ रहा है कि 18 ग्राम जो है आपके पास, 18 ग्राम आपके पास आ रहा है देखिए, 18 ग्राम हमारे पास है ग्लूकोज, और मोलिलिटी पूछ रहा है कि कितना मोलल सॉल्यूशन होगा। तो मोलिलिटी के लिए आपको पता है कि 1000 ग्राम जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर कितना हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, वही देखेंगे अपन। अब यहाँ ध्यान रखना, जब एक्वस कंडीशन आता है ना तो मोलिलिटी और मोलरिटी एक ही बात होती है, ध्यान रखना। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम वहाँ पर मोलिलिटी और मोलिटी का मीनिंग एक ही लेते हैं यहाँ पर, तो ध्यान ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक्वस सॉल्यूशन आ रहा है तो दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम हो जाएगा आपका,
तो मोलेलिटी स्मॉल एम जो आता है बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये तो जगह मोल, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है इन केजी, ठीक है। और यदि आपके पास यदि ग्राम में लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना आप। तो ये सिंपल देखो, से 18 ग्राम है तो 18 ग्राम ये ले लिया, मोलिकुलर वेट हो गया 180, और ये 1000 ग्राम है का मतलब 1 किलोग्राम हो गया आपके पास, तो ये 1 ही हो गया बच्चों, तो ये 1/10 हो गया है, तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बोलेंगे अपन, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो एक्वस कंडीशन आ रही है ना, एक्वस कंडीशन ध्यान रखना है कि मोलरिटी और मोलिटी का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है यहाँ पर, ये ध्यान, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये अगला पूछ रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बच्चों है किस पर डिपेंड करती है, देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास देखो, एक तो है ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ गया, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब, तो ये थर्ड जो है बच्चों वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। वेपर प्रेशर जो होता है ना वो कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, बाकी जो है वो सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, थर्टी थ्री में 7.1 ग्राम पदार्थ जो है उसको 1000 जल में घोल लिया अपन ने, और उत्पन्न आपेक्षिक वास्तव में अवनमन है इतना, और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग आर एल वी, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर आर एल वी जो होता है बच्चों डिपेंड करता है N1 और N2 का, दोनों का रेशियो आ जाता है हमारे पास, मतलब हमारे पास क्या आता है N और N2 पर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिंग लोअरिंग द वेपर प्रेशर। यहाँ अपन लिखते हैं सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लेते हैं, तो इंडिविजुअल मोल अपन लेते हैं और टोटल मोल लेते हैं, लेकिन यहाँ अपन ये कहते हैं कि N1 N2 में नीचे हमारे पास वैल्यू N2 की ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं नीचे N2 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट में, तो ये हमने ले लिया। आर एल भी हमारे पास कितना आ रहा है देखो, 0.0713। अब मोल निकाल लेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपने पास है 7.5, और ये मोलिकुलर वेट अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है। इसके बाद में हमारे पास इधर 1000 ग्राम वाटर में हमारे पास 1000 ग्राम आ जाएगा ये, और ये ऊपर आ जाएगा बच्चों 18। अब ये यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करिए थोड़ी सी, देखिए कितना आएगा आंसर, बोलिए चेक करिए। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 180, 180 के नियर अबाउट आ जाएगा, तो 180 ले लेंगे हमारे पास, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। देखिए एक जो विलयन हमारे पास है, ए सॉल्यूशन हैज ए 1:4 जो है रेशियो ऑफ द पेंटेन टू हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स 4:4 mmHg पेंटेन एंड 120 mm फॉर हेक्सेन, ये हेक्सेन के लिए वेपर प्रेशर और ये
पेंटेन के लिए है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, पेंटेन का पूछा है, द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले तो आप क्या करो कि टोटल प्रेशर निकालो, वेपर प्रेशर टोटल निकालोगे ना, पी टोटल, तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हम निकालते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये टोटल निकालते हैं। अब पी नॉट ए का मतलब मेरे पास क्या है, यहाँ पेंटेन है और एक है हेक्सेन, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूंगा पी नॉट पेंटेन और प्लस पी नॉट हेक्सेन, ये ले लेंगे। तो पी नॉट मेरे पास आ रहा है 4:4 और मोल रेशो 1:4 आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे अपने पास, इनका जो रेशो आ रहा है 1:4 का रेशो आ रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/5 और प्लस पी नॉट बी आ गया हमारे पास 120 × 4/5, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, देख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास 120 × 4/5 आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 × 2, तो ये हो गया, ये 4 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से भी काट देंगे 5 से, 5 8 5 8, तो 88 और प्लस ये हो जाएगा बच्चों 4 × 4 हो गया आपका 16 × 4 × 2 और ये 96, तो 88 प्लस 96 ऐड कर लेंगे हम, कितना आएगा वो देख लेंगे। तो 8 ये हो गया 14 184, ये आ गया 184 आ गया बच्चों 184 पी टोटल निकाल लिया हमने। अब हमारे पास देखो वेपर फेज में निकालना है हमारे को, तो वेपर फेज में कैसे निकालते हैं, देखो ये हम करते हैं वेपर फेज में y × मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज, ठीक है, ये आ जाएगा आपका P टोटल और ये आ जाएगा P नॉट P इंटू एक्स पी, ये कर लिया हमने। अब देखिए बच्चों हमको Y निकालना ही है, ये Y निकालना है, तो Y फाइंड आउट कर लेंगे, P नॉट P कितना मेरे पास, देखिए पेंटेन का निकाला था 88 और डिवाइड ये हो गया 184, अब ये डिवाइड कर लीजिए, देखो कितना आएगा आपके पास, चेक कर लीजिए बच्चों, तो ये 0.1 ये आ गया 0.478 आ जाएगा, देख लो चेक कर लो। देखो मैं फिर दोबारा बता दूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम पी टोटल निकाल लेंगे, जैसे राउल्ट लॉ लगाते हो आप, पहले राउल्ट लॉ अप्लाई कर लीजिए, फिर हमारे पास डाल्टन का जो है पार्शियल प्रेशर का रूल लग जाएगा, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर यानी गैस फेज के अंदर, ये जैसे मान लो आपने कोई भी कंटेनर लिया, यहाँ से उसकी वेपर बनेगी, ठीक है, ये वेपर बन रही है उसकी, ये लिक्विड है, ये वेपर होती है, तो वेपर में आपको निकालना है इसमें, तो इसमें पी नॉट ए पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी निकाल लिया, तो यहाँ पेंटेन और हेक्सेन लिख दिया हमने, तो एक का 88 आया, एक का 120 × 4/5 96, तो 184 आ जाएगा। तो पहले टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, फिर पेंटेन का हमारा पहले कितना था, 88 था, टोटल प्रेशर 184 था, तो वेपर फेज में हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4th। क्लियर होगी बात।
तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगाओ, राउल्ट नियम का लगाओ और दोनों की तुलना कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, थोड़ा सा कैलकुलेशन जैसे कई क्वेश्चनों में होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास आता है 60 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिसॉल्व इन 9.9 मोल्स ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज पी नॉट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा कितना होगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई। आप जैसे आप ये निकालते हो, थोड़ी देर पहले लिया था पी टोटल, आप निकालते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। वैसे ही हमारे पास एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, तो एक सोल्यूट और होता है एक सोलवेंट होता है, दोनों के अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। तो देखो 60 ग्राम आपके पास यूरिया आ रहा है, तो यूरिया का मोल निकाल लोगे आप बच्चों, यूरिया का मोल जो है वो निकाल लो, यूरिया का मोल जो है यूरिया ये 1 मोल हो गया। 60 ग्राम मोलिकुलर वेट भी इसका क्या है, 60 है, और 60 तो मोल हो गया आपके पास। अच्छा अब वाटर का मोल कितना है, वाटर ये दे दिया आपको 9.9 आपके पास ये आ गया। क्लियर हो गई बात। और अब आपको कह रहे हैं शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना आपके पास है, पी नोट आ रहा है, शुद्ध जल का वाष्प दाब का और विलयन का वाष्प दाब नहीं, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको पूछ रहा है, पी सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी नॉट, और इसमें आप चाहो तो 1 - xA भी ले सकते हो, आप 1 - xA भी ले सकते हो, और आप चाहो तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, एक सॉल्यूट का आ गया, एक सॉल्वेंट का आ जाएगा आपके पास, और ऊपर वाले में देखिए आपका ये तो है पी नॉट ही है, x से निकाल लो 1 अपॉन और 1 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बच्चों 10.9, और प्लस फिर पी नॉट ही है आपका दूसरा भी, ये आपके पास कितना आ जाएगा 9.9 और ये 10.9, ये सोल्व कर लीजिए आप, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.90 पी नॉट पी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन दोनों में से देखो कोई भी तरीका लगाओ, ये लगा लो ये लगा लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आप सोल्व करोगे तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। थर्ड आंसर मिला लीजिए बच्चों, थर्ड आंसर आएगा इसमें 0.90 पी नॉट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है। तो देखो बच्चों बेंजीन और टोल्यून आपके पास कैसा सॉल्यूशन है, ये आइडियल हो गया आपके पास, और हेक्सेन और हेप्टेन ये भी कैसा हो गया, आइडियल हो गया है। इसके बाद में एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड ये भी आपके पास क्या हो गया, आइडियल हो गया है। CCl4 और CH4 ये आपके पास क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया है। देखिए हमारे पास एक तो है नॉन पोलर, एक है पोलर, तो ये हमारे पास फोर्थ के आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ये आप जैसे सेम नेचर के कंपाउंड मिलाओगे ना तो आइडियल होंगे, डिफरेंट नेचर के मिलाओगे तो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। अब आ जाइए बच्चों हमारे पास 30 ml क्लोरोफॉर्म 50 ml एसीटोन को मिला के और हमने बना लिया एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट। तो वॉल्यूम मिक्सचर ऑफ विल बी, ध्यान से देखिए हमारे पास वॉल्यूम मिक्सचर विल बी, तो ये हमारे पास देखियो ये है, एक तो है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक है एसीटोन CH3COCH3। तो बच्चों ये कैसा सॉल्यूशन है बोलो, ये है नेगेटिव डिवीजन, नॉन आइडियल नॉन नेगेटिव डिवीजन, ये है नेगेटिव
डेविएशन नॉन आइडियल, राइट। नेगेटिव डेविएशन और ये बच्चों कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। देखो क्योंकि इनमें क्या होता है, एच बॉन्डिंग हो जाती है। देखो ये हमारे पास है ना सीओ ग्रुप होता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ हमारे पास देखो, पहले हमारे पास इंट्रैक्शन देखें कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन बढ़ेगा पहले से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने इंट्रैक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे नेगेटिव डिविशन, तो हमारे पास लेस 80 ml आ जाएगा। सेकेंड आंसर इज करेक्ट, ये समझ गए। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा हमारा, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग हो जाती है इसमें, ध्यान रखना ये चीज़। अब क्लियर बात बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा गुण आदर्श विलयन दर्शाता है, विच प्रॉपर्टी शो द आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन होता है राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, डेल्टा इज मिक्सिंग जो होता है आपके पास जो है जीरो होता है, मिक्सिंग वॉल्यूम भी जीरो होता है, तो ये सारे ओवरऑल करेक्ट हो जाएंगे, ये आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आइए हमारे पास, जब दो द्रव ए और बी को मिश्रित करते हैं तो उनका क्वथनांक दोनों द्रव से अधिक हो जाता है। अब मैंने अब क्या, दोनों मिक्स मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इंट्रैक्शन बाद में स्ट्रॉन्ग हुआ आपके पास, तो इसका मतलब वो नेगेटिव डिविशन है हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने अनादर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन, तो ये आंसर बच्चों कौन सा आ जाएगा हमारे पास, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। जैसे आपके पास देखिए नेगेटिव डिविशन आएगा, नेगेटिव डिविशन तो इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनते हैं, और एक आपके पास बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का आता है, उसमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनते हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया थर्ड। फिर देखिए हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आइडियल सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अपन मिक्स करते हैं ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो बच्चों एंट्रोपी बढ़ती है हमेशा, एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकती है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, एंट्रोपी जो है हमेशा बढ़ती है हमारे पास, तो फर्स्ट जो आएगा। तो जिसमें देखो ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे, चाहे आइडियल बनाओ चाहे नॉन आइडियल बनाओ, तो उसमें हमारे पास एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर हमारे पास एंट्रोपी का ध्यान रखना है कि एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज, डेल्टा एस जो होता है वो इंक्रीज होता है ऑलवेज, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, द एजियोट्रोप मिक्सचर, द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 आ रहा है बच्चों, और फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका 85 और ये 108 पर, जैसे अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, इसका ज़्यादा आ गया, इसका मतलब देखो बॉइलिंग पॉइंट जैसे ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया ये, एक बात तो क्लियर होगी। और इस प्रकार के जो डिस्टल्ड बनते हैं, ठीक है, हम उनको कभी भी जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं उनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है ना, एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होता है। देखिए बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं ना, ये होते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होते हैं ये। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होते हैं हमारे पास, क्लियर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर होते हैं।
तो ध्यान रखना है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, हम उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको कभी भी सेपरेट नहीं कर, कांस्टेंट रहते हैं। तो नाइदर HCl और नॉर H2 इन देयर प्योर स्टेट। तो ये आ जाएगा फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन जो बना लिया हमने, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास है, एक एवास्टिल विलेय मिला दिया उसका MP, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास MP। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एम स्मॉल एम मास ऑफ सॉल्यूट और वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेशन पूछ रहे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों पाई बोलते हैं। पाई होता है CRT, सी होती है कंसंट्रेशन, सी जो है वो N अपॉन V होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट अपने पास जो है वो हमने ले लिया स्मॉल m, क्लियर। और मॉलिक्यूलर वेट बच्चों हमको क्या दे दिया है, MP, ये पाई आ गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास V, वॉल्यूम आ जाएगा आपका, और ये है RT। अब MP निकालना है आपको, तो स्मॉल m ऊपर आ गया, नीचे पाई आ गया आपके पास, और इधर आ गया RT, और ये आ जाएगा बच्चों नीचे V भी आपके पास। तो M अपॉन V RT अपॉन पाई की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, चलो इसको आप ऐसे लिख दो, बोलेंगे की बात है, M अपॉन V RT अपॉन पाई। तो ये आंसर हमारा बच्चों सेकंड चला जाएगा। सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया, पाई इक्वल टू CRT होता है आपके पास, सी कंसंट्रेशन, N अपॉन V यूनिट वॉल्यूम में जितने मोल डिजोल्व होते हैं वो कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके पास। और इसमें हमेशा कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोलरिटी में लेते हैं, एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें कंसंट्रेशन क्या यूज़ करते हैं, मोलरिटी, और बाकी में क्या यूज़ करते हैं बताओ, मोलेलिटी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। फोर्टी थ्री में आइए, यदि 1 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम सुक्रोज है, 250 ml मिलाया हमने, और ऑस्मोटिक प्रेशर में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों क्या रिलेशन होता है आपके पास। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर अभी थोड़ी देर पहले लिया पाई, ये डिपेंड करता है नीचे देखो, ऊपर कंसंट्रेशन N अपॉन V है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बच्चों मॉलिक्यूलर वेट नीचे आता है आपके पास, बाकी चीज़ कांस्टेंट आ रही है सारी, देखो वेट सबका इक्वल आ रहा है, यहाँ और चीज़ कांस्टेंट है 250 ml, ये भी कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका मैक्सिमम आएगा, अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में आप देखिए ये आएगा 60, एक आया 180, ग्लूकोज का आ गया बच्चों 180, और सुक्रोज का हो गया आपका 342, और यूरिया का हो गया है 60। तो यूरिया का बच्चों देखो क्या आ गया, P2, तो सबसे कम यूरिया का है मॉलिक्यूलर वेट, तो सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका आएगा बोलो, जिसका मिनिमम है उसका ज़्यादा आएगा, तो ये P2 P1 और P3 हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका मिनिमम आएगा, ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक ऑस्मोसिस होता है बच्चों, देखो ऑस्मोसिस का मतलब आपको पता ही है कि आप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हो और उसमें हमारे पास एक तरफ सॉल्यूट होता है और उसको सॉल्वेंट को ऐसा सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन भी तैयार कर सकते हैं हम, तो एक तरफ हम कंसंट्रेशन लो भी ले सकते हैं, एक तरफ हाई भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है ना,
तो इसमें ध्यान रखिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अब ये लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है ना, इसका मतलब ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। देखो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बच्चों लो है तो उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है तो यहाँ पर सॉल्वेंट मूव करेंगे आपके पास। तो देखिए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर होगी बात बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, मिला लीजिए आप एक एक क्वेश्चन को। सॉल्वेंट पार्टिकल जो है आपके मूव करेंगे, और सेमी परमियबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस में आपने देखा है। अब आइए हमारे पास है, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब बेटा क्या होता है हमारे पास, बोलो बच्चों। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों के, आइसोटोनिक का मतलब है पाई जो है दोनों के इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछा है इसका, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आप निकालना है वेट 5% है ना, तो 5% ये ले लो, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट है 342, ठीक है ना। ये पाई इक्वल टू सी आर टी लेना है आपको, तो वॉल्यूम वगैरह वो तो सभी का इक्वल हमारे पास परसेंटेज आ रहा है। और इधर हमारे पास 5% एक्स पदार्थ, एक्स 1% विलयन में लेना है, तो 1% ये 1 ग्राम आ गया। और मॉलिक्यूलर वेट हमारे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे हम यहाँ पर, 342 में 5 का डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा देखो 5 × 6, 8.4, तो ये आ जाएगा थर्ड आंसर इज करेक्ट। मतलब आपको देखना आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है। आइसोटोनिक का मीनिंग बच्चों क्या होता है कि जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो दोनों के आइसोटोनिक है का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर लो सबसे पहले, और फिर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ले लिया। ये आपके पास पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है, और सी का मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट आपने ले लिया, और एन अपॉन वी होता है, ये वी आ जाएगा, और इधर आर टी आ जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन जो है। अब वॉल्यूम वगैरह जो आपके पास क्यों परसेंटेज दे रखे ना, तो वो इक्वली है ये सब। बाकी देखो ये चीज़ हमारे पास और ये सब कांस्टेंट है, इसलिए हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड आंसर हमारा आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब देखिए बच्चों हमारे पास 46 क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.0 ग्राम ऑफ ए पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमरिज्म 1 लीटर ऑफ डाई ऑक्सेन वाज फाउंड टू बी हैव ए ऑस्मोटिक प्रेशर 6.02 × 10⁻⁴ ऑस्मोटिक प्रेशर एटमोस्फेयर, ये आपकी यूनिट दे दी, एट 300 केल्विन टेम्परेचर है। द वैल्यू ऑफ द आर इज यूज 0.082 लीटर एटमोस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन द मोलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर वाज फाउंड टू बी, तो ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का सीधा रिलेशन लगा दिए, पाई इक्वल टू अभी लिया था वेट अपॉन मोलिकुलर वेट आ जाएगा, नीचे बच्चों वॉल्यूम आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आर इंटू टी आ जाएगा। अब देखो जो गिवन वैल्यू वो रख दीजिए, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया 6 × 10⁻⁴, ये पुट कर दी। वेट मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर निकालना है, वेट आपके पास आ गया 4, मोलिकुलर वेट आपको बच्चों फाइंड आउट करना है। इसके बाद में हमारे पास आर जो है आपको रखना है 0.082, ठीक है, और टेम्परेचर रख दोगे 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन रख दिया, और वॉल्यूम बोलो कितना है, 1 लीटर आपके पास आ गया है, ये रख दीजिए आप। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना आएगा, क्लियर करो। ये आ जाएगा 1.6 × 10⁵, सोल्व कर लीजिए बच्चों, देख लीजिए।
क्लियर हो गई बात, तो ये सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अब आइए बच्चों, ये सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन 8.6 ग्राम पर लीटर मोलिकुलर वेट, इट इज आइसोटोनिक विद ए 5% सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट विल बी। तो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या चेंजेस आपको जो देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले आइसोटोनिक का मतलब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर लो। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, इसमें वेट दिया है 8.6 ग्राम पर लीटर, इधर बच्चों दिया है 5%। 5% का मतलब है 5 ग्राम जो है इन 100 ml सॉल्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इधर हमारे पास है पर लीटर, ये ध्यान समझिए। तो देखो वेट आपके पास आ गया 8.6, अब दोनों को आप लीटर में कन्वर्ट कर लो भले, और मोलिकुलर वेट हो गया 60, मोलिकुलर वेट आपके पास जो है 60 हो गया है, ये पर लीटर है तो हमने ये ले लेंगे इसी को। अब दूसरा देखो 5% आ गया, ये 5% कर लिया आपने। अब नीचे देखो वॉल्यूम मैंने क्या किया, 1 कर लिया बच्चों, और इधर मेरा जो है R और T, ये R T दोनों तरफ आ जाएगा मेरे पास। अब इधर 5 आ गया, और 5 के नीचे मेरे पास देखो मोलिकुलर वेट मेरे को फाइंड आउट करना है, लेकिन वॉल्यूम मैं कितना लूँगा बोलो, 100 ml ले रहा हूँ यहाँ। अब मैंने बच्चों यहाँ 100 लिया है तो ऊपर मेरे को 1000 लेना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और ये आर टी मेरे पास आ गया, तो देखो यहाँ आर टी से आर टी कैंसिल हो गया है, और ये 20 यहाँ से 20 कैंसिल हो गए हैं, तो ये हमारे पास ये हो गया 5 × 6 300, तो बच्चों ये हो गया 3000, ये 3000, और ये हो गया है 8.6 का डिवाइड। हेलो, अब सोल्व कर लीजिए आप कितना आएगा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा, 3000 में 8.6 का डिवाइड करो जल्दी से, देखिए कितना आएगा बोलो, 348। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट बच्चों, बहुत ही ध्यान से आप इसको सोल्व करिए, ये ध्यान से देख लीजिए। ठीक है चलो नेक्स्ट चले, फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन आ जाइए। देखिए बच्चों इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया है, ट्रू और मतलब फॉल्स पूछा है, फॉल्स कौन सा है, असत्य कथन। तो देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑस्मोटिक प्रेशर का 0.0, एक्वस सॉल्यूशन का इज कंपाउंड BaCl2 KCl एसिड सुक्रोज, ये सही है। देखो इसमें हमारे पास कितने पार्टिकल है, 2, इधर हमारे पास कितने हैं, 2, लेकिन इसमें 3 हो गए, सॉरी इसमें 3, इसमें 2, इसमें हमारे पास 2 है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक हो गया, और ये सुक्रोज नॉन वोलेटाइल हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट हमारा जो है करेक्ट आ गया। दूसरा चले द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल टू MRT वेयर द m इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों करेक्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर में कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आती है, मोलरिटी में ही आती है, ये एक दो। अब आता है राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ओवर ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये भी ठीक है हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखो बच्चों आपने सॉल्वेंट जब डिफर कर दिया ना, देखो डिफर सॉल्वेंट कर दिया आपने, डिफर सॉल्वेंट, इसका मतलब KF की वैल्यू जो आएगी ना वो भी बच्चों क्या आएगी, डिफर आएगी, और KF जब डिफर आएगा तो आपके पास जो है हिमांक में अवनमन भी अलग आएगा, डेल्टा TF जो होता है ना वो किस पर डिपेंड करेगा, आगे जाके KF के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा,
केएफ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपने दो सॉल्वेंट अलग अलग कर दिए तो केएफ भी तो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केएफ डिफरेंट आएगा, और ये बोल रहा है कि सेम फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा बच्चों आ गया, फोर्थ आंसर जो है वो असत्य है कथन, मतलब इनकरेक्ट है, फॉल्स बोल सकते हो आप। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। 49 ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, विलयन के हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक में अवनमन के समय कौन सा साम्य में होता है। बच्चों यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रखिए कि आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, तो आप रियल में बताओ कि जमता कौन है, सोल्यूट थोड़ी जमता है। अरे भाई सोल्यूट तो क्या होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है, सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होता है, तो जमता कौन है, सोलवेंट, हमेशा ध्यान रखना सोलवेंट ही जमता है। तो इक्विलिब्रियम में कौन होगा, सोलवेंट, द्रव विलायक और ठोस विलायक जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये ध्यान रखनी है। विलयन में हिमांक में अवनमन के समय कौन सा साम्य होता है, द्रव विलायक और ठोस विलायक दोनों, कभी भी सोल्यूट नहीं होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। पहला आंसर पहला आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अपन। 50 विलायक के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए जिसका हिमांक 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड गलन की गुप्त ऊष्मा 180.75 ग्राम है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास अलग अलग चीज़ आ रही है, तो इसमें आपके पास देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, के एफ आर टी एफ स्क्वायर लेते हैं 1000 इंटू एल एफ, एफ एल एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो टी एफ आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, अब आपको देखो अब आर की वैल्यू कैसे पुट करोगे, ग्राम में दे रखिए ना, तो 8.3 करना पड़ेगा आपको, जूल ग्राम इन्वर्स में, तो इसका मतलब अपने को पता चल गया कि आर की वैल्यू 8.3 ग्राम 8.3 जूल वाली रख लो आप, तो 8.3 रख लिया आपने, और टी एफ बच्चा 16.6 डिग्री है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप सबसे पहले, तो ठीक है इसको बच्चों कन्वर्ट कर लीजिए 273 में, और ये 16.6 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 289. ठीक है तो ये यहाँ रख देंगे अपन, ये हो जाएगा 289.6 का स्क्वायर कर लीजिए, और नीचे 1000 हो गया है, और ये एल एफ दे रखिए 180.75, हेलो बच्चों आप इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.86, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, के एफ की जो वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ये आर टी एफ इस पर डिपेंड करता है, एल एफ आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आती है जिसमें अपन गलन की गुप्त ऊष्मा जिसको बोल रहे हैं अपन। फिफ्टी वन नंबर क्वेश्चन हम आ रहे हैं नेक्स्ट। NaCl जो हमारे पास है Na2SO4 के 0.1 mBa में प्राशन दाब पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, क्या बनेगा हमारे पास। तो देखिए बच्चों हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और डिपेंड करती रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, तो ये चेक कर लेंगे अपन। सबसे पहले देखिए
यहाँ हमारे पास NaCl में कितने पार्टिकल है बच्चों, दो पार्टिकल है। Na2SO4 में कितने है? थ्री पार्टिकल है। और पाई डिपेंड करेगा, और पाई क्या है हमारे पास, सीपी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड किस पर करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो। तो यहां हमारे पास Na पहला तो समान नहीं होगा, NaCl विलयन का प्रारंभ दाब अधिक होगा, ये गलत है, Na2SO4 विलयन का प्रारंभ दाब NaCl से अधिक होगा, ये सही है हमारा, थर्ड आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको, देख लो। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 52 नंबर क्वेश्चन में मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हिमांक सबसे कम है बच्चों। देखिए हिमांक जिसका कम होगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आएगा आपके पास, ज़्यादा आएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर बोल दो, ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन तो इक्वल है सबकी, और यहाँ पर आपके पास देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आने वाले हैं, फाइव पार्टिकल आने वाले हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ टू पार्टिकल आपके पास है, और इधर आपके पास थ्री पार्टिकल आपके पास है, इधर टू पार्टिकल आपके पास है, तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। क्लियर हो गई बात, ये फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है TF, टेम्परेचर, TF हो गया। तो डेल्टा TF जो है, जितना मिनिमम आएगा आपके पास उसके अकॉर्डिंग बात करने पर, तो यहाँ पर जो डेल्टा TF है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉन्ट ऑफ फैक्टर पर। तो यहाँ हम ये कहते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर जितना ज़्यादा आता है तो डेल्टा TF हमारा क्या आएगा, उतना ज़्यादा, तो TF उतना ही मिनिमम आ जाएगा बस, जबकि डेल्टा TB उतना ही क्या आता है, ज़्यादा आता है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 0.1 mm सॉल्यूशन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल फॉलो द ऑर्डर। तो बच्चों इसमें भी वही आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी CP पूछा है, तो अभी मैंने थोड़े बहुत देर पहले बताया, ये है रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर अपन बात करते होते हैं, डिपेंड करता है, तो देख लिए। और पार्टिकल का मतलब आपके पास क्या आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है, ये वांट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ आप ये देख सकते हो NaCl में तो बच्चों दो ही पार्टिकल आए, यहाँ दो पार्टिकल आते हैं, इसमें तीन आते हैं, इसमें आपके पास चार आते हैं। तो सबसे पहले देखो चार वाला लेंगे अपन, ये चार वाला है, फिर ये तीन वाला है, फिर दो वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी ये। फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन में इनमें किस लवण का वांट ऑफ फैक्टर जो है उसका मान K3FeCN के समान होगा। बच्चों देखियो K3FeCN6 का मतलब जैसे हमारे पास ये जो कंपाउंड है ना, इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा, हम इसको 100% आयनाइज मान रहे हैं, और 100% आयनाइज मानने के बाद में हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, चार। कब, जब हम इसको 100% आयनाइज मानते हैं, 100% इफ 100% आयनाइज, ठीक है ना बच्चों, इसको हम 100% क्या मान रहे हैं, आयनाइज्ड मान रहे हैं। तो हमारे पास देखिए ये चार आ रहा है, तो चार ही चेक करेंगे, देखिए यहाँ तीन और ये दो पांच हो गया आपके पास, इधर दो हो गया है, इधर आपके पास तीन हो गया है, इधर आपके पास चार हो गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते बच्चों, 55 में 0.2 मोलल यूरिया का सॉल्यूशन दे रखा है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि 2.2 मोलल यूरिया दे रखा है बच्चों, यूरियो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना,
भी जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाता है ये, यूरिया कभी आयनाइज ही नहीं होता, इसका वन टॉप फैक्टर वन होता है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका वन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका ग्रेटर देन और लेस देन वन होता है वन टॉप फैक्टर। तो यहाँ पर जो वन टॉप फैक्टर आएगा बच्चों इसका वन आएगा, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा हमारा। 56 में हम पहुँचे। देखिए अब लास्ट वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने जैसे कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ थोड़े से थोड़े टिपिकल भी है एक दो क्वेश्चन ऐसे, और बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन एवरेज भी है, हर तरह के क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल रहे हैं देखने को, और पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है सॉल्यूशन और रिडॉक्स। तो नेक्स्ट बच्चों देखते हैं अपन 56 में, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ AlCl3T1 एंड CaCl2T2 एट द सेम मोलर कंसंट्रेशन। तो वही बात देखो बच्चों, हमारे पास ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट BP जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वही एक CP आपके पास है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, और CP जो है डिपेंड कर रही है वही वन टॉप फैक्टर पर, रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। तो AlCl3 में बच्चों हमारे पास कितने पार्टिकल आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, CaCl2 में कितने आ रहे हैं, तीन पार्टिकल आ रहे हैं। तो हमारे पास T1 जो आएगा बच्चों, T1 ग्रेटर देन क्या आने वाला है, T2 आने वाला है। तो ये हमारा सेकेंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास आ रहा है देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड HX 20% आयनाइज्ड हो रहा है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज गिवन। फ्रीजिंग पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, KF दे रखी है वाटर के लिए। तो बच्चों देखो डेल्टा TF जो होता है वो होता है वन टॉप फैक्टर इंटू KF, ये आपके पास रहेगा इंटू मोलेलिटी। अब बच्चों देखो वन टॉप फैक्टर आपके पास कैसे निकालते हो, 1+X-1 इंटू अल्फा, और X आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टेंट पार्टिकल इफ 100% इज आयनाइज। तो यहाँ पर अपन ये मान लेंगे 100% आयनाइज है, तो ये आ जाएगा 1+2-1 इंटू अल्फा। तो बच्चा ये हो गया 1+α, और ये है 1, और अल्फा हमारे पास कितना है, 20% है, तो ये हो जाएगा 0.20। तो 1.20 हमारा अल्फा आ गया, ये अल्फा निकाल लो पहले, और अब इधर अल्फा की वैल्यू पुट करो 1.20, और KF की वैल्यू कितनी बच्चों, 1.86 इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी हमारे पास जो है 0.2, ये लो इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.45, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता है डेल्टा TF जो होता है ना, डेल्टा TF T0-TS होता है, ठीक है बच्चों। तो TS निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका -0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 58 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन दे रहा है ये, एक तो बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स आ रहा है, प्लस सॉल्यूशन का जो है कॉम्बिनेशन है, मतलब इनऑर्गेनिक और फिजिकल का अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन बता रहा है। तो देखिए ए सॉल्यूशन 0.001 मोलल सॉल्यूशन ऑफ PtNH3P4Cl4 इन द वाटर हैड ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द 0.00, ये हमको दे दिया, और KF दे दिया 1.8। तो बच्चों देखिए हमारे पास मोलेलिटी जो है क्वेश्चन में गिवन है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है, फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट दे रखा है। देखिए हम हमारे पास फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूले का मतलब आप वन टॉप फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को आप 100% आयनाइज मान लीजिए, और वो वन टॉप फैक्टर आप नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। तो देखिए डेल्टा TF जो होता है वन टॉप फैक्टर इंटू KF इंटू मोलेलिटी,
बस अब देखो डेल्टा टीएफ आपके पास कितना दे रखा है, 0.0054 दे रखा है बच्चों। वांट ऑफ फैक्टर निकालना है आपको, केएफ 1.80 दे रखा है और मोलेलिटी भी गिवन है 0.001। तो ये वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ गया। वांट ऑफ फैक्टर 3 आ गया बच्चों, 3 आ गए। तो आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो ये हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या आयनाइजेशन स्फीयर होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस आपको कितने मिलने वाले, 2। इधर देखिए ये 2 आ रहा है इधर, तो ये इधर मिलने वाले 3, इधर 3 और ये 1 है, ये आएगा आपके पास 4। इधर आपके पास बच्चों यहाँ कोई भी मतलब ये 1 ही रहेगा आपका, या मैं कहूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। तो हमारे पास वांटा फैक्टर 3 के अकॉर्डिंग आंसर गया है सेकेंड, करेक्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और ये हमारा सॉल्यूशन का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट के लिए बेहतरीन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही आते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास जरूर कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 59 नंबर क्वेश्चन में, ऑन एडिंग सॉल्यूट ऑन एडिंग सॉल्यूट ए सॉल्वेंट हैविंग द वेपर प्रेशर 0.80 atm, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस 0.68 atm मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको पता है बच्चों देखो क्या होता है कि रिलेटिव लो इन द वेपर प्रेशर जो होता है आपका, वो अपन निकाल लेंगे विद रेस्पेक्टिव टू इनिशिएट। जैसे RLV जो होता है, RLV, तो वहाँ हमारे पास क्या आता है, एक्स सोल्यूट आता है, एक्स सोल्यूट। तो ये विलय का मोल प्रभाज ही पूछ रहा है हमारे को, और ये हम मानते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें ऐड कर रहे हैं अपन राउट लॉ के अकॉर्डिंग। तो RLV जो हमारे पास क्या आता है, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट एक्स सोल्यूट। तो पी नॉट हमारे पास बच्चों देखो कितना है, ये कह रहा है कि 0.80 atm है, तो ऊपर 0.86 तो रिड्यूस हो गया, तो कितनी डेफिशिएंसी हुई हमारे पास, हमारे पास डेफिशिएंसी हुई 0.02 की डेफिशिएंसी हुई, और इनिशिएट पी नोट कितना हमारे पास 0.80 है। बस ये आ गया एक्स सोल्यूट। तो एक्स सोल्यूट बच्चों हमारे पास आ गया है 1/4 मतलब 0.25, 0.25। तो ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्लियर हो गया बात। देख लो ये ध्यान से पढ़ना है कि ये एक सोल्व है, अपन हैविंग द वेपर प्रेशर 0.80 है, इनिशियल वेपर प्रेशर 0.80 थोड़ा ज़्यादा था, बाद में वो कम होके 0.60 हुई, तो कमी कितनी आई है हमारे पास, 0.20 की कमी आई है विद रेस्पेक्टिव टू 0.80। तो उसी को अपन कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों हमारे पास ये आ गया है लास्ट क्वेश्चन हमारा, 60 नंबर क्वेश्चन। अब आइए हमारे पास पॉइंट पॉइंट 0.06 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 0.01 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट विच डेवलप द ऑस्मोटिक प्रेशर 0.123 atm, 27 मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये आपके पास क्या है, देखो सारी कंडीशन दे रही है, आप ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, पाई इक्वल टू बच्चों CRT होता है, और सी कंसंट्रेशन जो होती है आपके पास एन अपॉन वी होती है। तो ये आप सब निकाल लीजिए, और एन को आप कर लीजिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। बस ये वैल्यू पुट करिए, बोलिए वेट कितना है बच्चों, 0.6 ग्राम, और मोलिकुलर वेट अपने को निकालना है, ठीक है, और वॉल्यूम बोलिए 0.1 लीटर वॉल्यूम आपके पास आ गया। आर गैस कांस्टेंट अभी आपके पास वायुमंडल आ रहा है, तो 0.082 ये रख दीजिए, और टेम्परेचर 27 डिग्री बच्चों, 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व करिए, अप्रोक्सीमेट 120 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 120 मान लीजिए, 120 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपका आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा सेकंड आंसर इज करेक्ट। तो बच्चों देखो मैं
होप करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। काफ़ी मैंने पेपर है जो इजी तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल मीडियम पेपर दिया है, न तो हार्ड है न इजी है, और नीट के लेवल का पेपर है। एनसीईआरटी को पूरा मैंने टच किया है, पूरा एनसीईआरटी लेवल को कंसीडर करते हुए पूरे क्वेश्चन दिए हैं, और मिक्स क्वेश्चन भी दिए हैं जिसमें इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैंने रखा है। तो मैंने बेस्ट एफर्ट किया मेरी तरफ से अच्छा पेपर बनाने की, और मैं होप करता हूँ कि सभी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ होगा। काफ़ी स्कोरिंग सा भी पेपर है, और नो डाउट मैं ये कहूँ कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, जय सी एल सी।